एम्बुलेंस वाला गोलकेरा में गोलकेरा थाना क्षेत्र में था, तो गोलकेरा वाला को पुलिस को एम्बुलेंस वाला बोल दे। अभी आपका क्या इसमें रहेगा, घटना तो बहुत दुखद हुआ, कल जो चीज होना चाहिए वो नहीं हो पाया, कल पुलिस को सूचना होना चाहिए, आप लोग के तरफ से सारा कुछ एक्टिव रहना चाहिए था। चलिए एक्सीडेंट तो बोल के आता नहीं है, लेकिन उनका हाथ भी टूटा हुआ था, हम लोगों का ट्रीटमेंट में लगे थे, उनका घर वालों को भी देख रहे थे, हम लोगों को बोले कि देखिए जैसे होगा हम आप लोगों के साथ हैं, बातचीत प्रॉपर बातचीत हो रहा है उनसे, वो फोन कर रहे हैं, हमको फोन कर रहे हैं, तो फोन अरे आपको देखिए हम लोग को खुद नहीं पता था कि आपका ऐसा कुछ हुआ है, विश्वास कीजिए। हम तो एक घंटा तक अपना गाड़ी भेजे थे, अपना बड़ा गाड़ी भेज के लोगों को उठा के ले गए, आप काम में गए थे, पूरा ढूंढा ढूंढिए, सुनील लोगों ने खुद ढूंढा, पूछिए बेरगा को भी हम बहुत फोन किए, ऐसा कुछ नहीं। आप हमको फोन कर रहे थे तो हम तो आपको हमेशा रिप्लाई कर रहे थे, रात भर बात हुआ है कि नहीं, अगर मेरा अंदर वैसा कुछ रहता तो हम तो कुछ नहीं करते। अरे हम चैमसा में उसके स्टाफ का, बाकी जिसका हाथ टूटा उसको कर रहे हैं। किसी को कोई प्रतिनिधि आया आपका, आपने एक प्रतिनिधि का आवश्यक था ना, छोटा घटना है, जवान लड़का मरा है, आपको आया यहाँ बात करने के लिए, पुलिस को क्यों नहीं आप बोले, वीडियो को बोले, तो थाना वाला क्यों नहीं बोला, थाना वाला का नंबर नहीं था मेरे पास, मैंने वीडियो का नंबर मिल गया, थाना वाला नंबर नहीं मिला, पता नहीं चलता थाना, मैंने गोलकेरा थाना का दुनिया भर का लिखा हुआ रहा था दीवार में, थाना फोन कर क्या काम कर रहा था, बस काम करने के दौरान ड्यूटी ऑन ड्यूटी उसका ये हुआ, काम करने में जा रहा था वो, जा ही तो रहा था, काम कार्यस्थल में जा रहा था वो, काम ही करने जा रहा था वो, ऑन ड्यूटी हुआ तो फिर आपका आपका जो जिम्मेवारी है वो निभाई क्या, कल 3 बजे का घटना है, अभी आप पहुँच रहे हैं सुबह नेक्स्ट डे, हमारे तक अगर 12 खुली से आने में आपको लगे 15 घंटे, चैवसा में थे, चैवसा में ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बाकी स्टाफ का बहुत पता है, ठीक है हम बात कर रहे तो बोल ही रहे हैं, बात आता है घंटे घंटे से नाम हम दीजिए बोल के तो हमें काम करवा लेबर का रजिस्टर होता है, कोई कुछ बोलेगा तो करा लीजिएगा, घर आने के लिए बुला रहा तो बोलते हैं चौक में आओ, चौक में जाने से बोलते हैं कैनाल रोड आओ, इससे होता है कैसे आप नहीं बोले हैं तो कैसे हम कोई लोगों को वही लोगों को फोन करके बोल रहा बनता है, हम खुद ही लेकर आए उनको, घर तक आए फिर झूठ बोल रहे छोटा चीज, मैंने गरीब आदमी है तो मैंने कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसका, कोई माँ बाप नहीं है, ऐसा नहीं होता, गलत किए हैं आपके साथ होता ऐसा, तो बॉडी घर भेज देगा, बॉडी कैसे ले आया, सरकारी में अच्छा बॉडी लाए तो हॉस्पिटल दिया, सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल ले गए थे ना, ऐसी घर भेज दिया, बिना सर्टिफिकेट दिया ऐसी भेज दिया, ले जाओ दिया। कहाँ है सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल दिया ना आप, जब ले आया डायरेक्ट सर्टिफिकेट, कुछ तो लिख के देता है ना भाई, सिंपल सिंपल डेथ होने से भी लिख के देता है, डॉक्टर देगा ही नहीं, सिंपल डेथ होने से लिख के देता है, कहाँ गया वो, ऐसी आप ले आए, कहाँ कागज कहाँ है, पेपर कहाँ है, हाँ उसका माँ माँ घर में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग उलूंग लेकर आया बॉडी ढोके खटिया लेकर आया, बहुत घर की बात, बहुत बहुत बड़ा गलती, मेरे भैया को मेरा भाई को भेजे थे साथ में, मेरा भाई आ रहा था, पतला लड़का यहाँ कोई नहीं है, उन लोगों को बोला ना अस्पताल में तुम लोग आगे बढ़ते रहो, लोग पीछे पीछे जा रहे बोल के बोला, यहाँ पर आया था 3 जन, मेरा भाई को भी हम भेजे थे, तो फिर ये लोग कैसे बोल रहे उनको ना, यही है सुनील से पूछिए, सुनील इधर हो तो पीछे आया, नहीं पहले आ गया था आप लोग, बाद में इन्होंने नहीं देखने सका एम्बुलेंस को, बाद में देखा पीछे, मैंने वो जा रहा था इधर साउंड लेके कि उधर से खोल काम करने वो आज आज जो अच्छा तो सामान लेके जा रहा था, अंकित सुजीत और मैनेजर आया था ना, अंकित आया था और सुजीत मैनेजर मैनेजर आया था, तुम भी काम करते जी, तुम भी काम करते हो, तुम था वहाँ पर, ये लोग को नहीं गया था कल का दिन, किसी का भाई है अपना भाई है।
बॉडी कैसे हॉस्पिटल दे दिया ले जाने के लिए? मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर एंट्री हुआ है तो नाम उनका जरूर एंट्री हुआ होगा, लेते साथ ही चेक किया अगर अस्पताल में कागज पकड़ेंगे तो हॉस्पिटल वाला बोला कि देखो रहना बोला पहले तो वहाँ एंट्री हुआ बलचेरा वाला जो हॉस्पिटल में जहाँ पर काम कर मतलब तो शरवण जी अभी क्या सोचे हैं आप इस परिवार के लिए? अभी तो चलिए बहुत बड़ा घटना हो गया, संजोग अभी आप आए हुए हैं, क्या कैसे क्या कीजिएगा? बहुत ही दुखद घटना है ये, दुखद घटना तो है। अभी हम तो कहाँ जाएंगे, उसका बच्चे का माँ पालने चार महीना होता है, कभी खर्चा पानी बंद गाड़ी किस गाड़ी अरे उसको मना किया गया फिर भी वो चढ़ा हुआ था व्यवस्थित नहीं लगता है लेकिन बिना सुरक्षा में भेज दीजिए आपका इंश्योरेंस नहीं है, मुआवजा कैसे मिलेगा आपको, वापस करना होगा जो सरकारी प्रावधान है उसके अंदर आपको 5 लाख रुपये मिलता है, परिवार को 5 लाख रुपये दे दीजिए। गाड़ी चालू करो, टूट गया गाड़ी चालू करो, गाड़ी चल इतना दूर गाड़ी भेजते हैं तो इंश्योरेंस वाला गाड़ी ले जाने कौन जगह में एक्चुअली दुर्घटना हुआ था? गोलकरा के पहले मोड़ में जैसे बताया, 3 चक्का 4 चक्का वो गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह ये सारा चीज है? कुछ नहीं ना, डीएल भी नहीं होगा, कम से कम आगे का प्रक्रिया में उस परिवार को अपने भरपाई करेगा जो सरकारी मुआवजा 5 लाख रुपए मिलता है। सरकार की ओर से फोन किया कहना है कि जानकारी पूरा जाके ले लीजिए आप, हम लोग जो काम देख लेंगे, लेकिन पहले उनको बुला के बात कीजिए और क्या जगह तो परिवार के खिलाफ जगह भी ज्यादा फायदा क्या अपने कागज पत्र नहीं जाएगा जो सरकार ना करे सरकारी प्रक्रिया में कागज पत्र चाहिए। गाड़ी का इंश्योरेंस जरूरी है? जानकारी भी नहीं है, आपका तो कंपनी हो गया कंपनी, लेबर लोन का इंश्योरेंस करना चाहिए, आपको देना नहीं पड़ता अभी 6 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी देता है, श्रम विभाग देता है, सब जानकारी दी है काम करता ना गाड़ी घोड़ा। अब बहुत दिन से आपके हैं तो पुराना स्टाफ है जैसे सब फरवरी से कर रहा है, अरे तो फरवरी में 6 महीना हुआ ना जी, 6 महीना को 2 दिन होता है, अभी 6 महीना तो बंदे था काम भैया, महादेव साल के लिए खाली अभी प्रॉपर काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मत, एक दिन करता है उसके बाद अपना गाइड हो जाता है, और पेमेंट भी ऐसा नहीं कि नहीं काम किया पैसा लेके